से मजे ले रहा हूँ। तो अच्छी पिक्चर बन जाती है तो कोई अच्छी पिक्चर होती है तो टेंशन नहीं होती। गाना ऑलरेडी तेरा फितूर सुपर हिट हो गया है, बट द ग्रेस ऑफ गॉड पीपल हैव लव्ड इट। ट्रेलर 24 तारीख को 24 को लॉन्च है तो सब ठीक हो रहा है एंड आई एम एंजॉइंग। यहाँ आया हूँ सुलक्षणा मोंगा जी की शॉप पे, बहुत बढ़िया शॉप है, आनंद आ रहा है। तो चल रहा है अभी सब, तेरा फितूर चढ़ गया रे। और एक गाना जो बहुत ही कमाल का गाना है, दिल मेरी ना सुने मैं दिल की ना सुनूं, बहुत कमाल गाना है आतिफ का जो आने वाला है, वो आएगा 27 से 28 को। ओके जी, थैंक यू। एंड बारिश में बम्बई में बढ़िया हो रही है, एंजॉय करो। और 24 तारीख को हमारा ट्रेलर रिलीज है, देखो उसे। थैंक यू। और आई थिंक जो भी यहाँ आ रहा है देयर रिएक्शन इज कि कितना खूबसूरत स्टोर है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोर्स आई थिंक इन अ लॉन्ग टाइम पीपल हैव सीन, एंड द क्लोथ्स आर लवली, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ स्पेशलिटी। दैट इज द रीज़न आई सेड लेट मी कॉल माई फ्रेंड्स, इंट्रोड्यूस देम, एक बार लोग देखेंगे तो उसको अप्रिशिएट करेंगे एंड देन दे विल बी कमिंग बैक फॉर इट। बिकॉज ऑल आई थिंक बॉम्बे हैज़ a very good style quotient, but ye Delhi ki designer hai, so for them this is a new experience, and I'm really happy to be here today, and I wish Sulakshana ji all the very best. Thank you. I'm enjoying Bombay people, they are so welcoming. Thank you Bombay people, it's a great feeling. And Bombay ke liye jo special design kiya hai, Bombay ko weather ko dimag mein rakh ke, Bombay ke logo ki taste ko dimag mein rakh ke kiya hai, we create very experimental and global look, and I think everybody has really appreciated the cloth. It's a great feeling in the heart. Thank you Bombay. SOLTEE love heritage but in their own ways, they take the inspiration from heritage but create the look of very global look, because पूरे यूके के अंदर वी हैव अ ब्यूटीफुल टू स्टोर्स, तो जो लुक आती है वो एक जगह की नहीं होती, ब्लेंड होके लुक आती है, एंड वी लाइक एक्सपेरिमेंट्स, वी लाइक टू स्टे इन यंग चाइल्ड्स हार्ट, सो हमें बहुत ग्लोबल लुक को अप्रोच करते हैं, ट्रेडिशनल येट वेरी ग्लोबल। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी मैं, सुलक्षणा जी इज़ रियली अ वेरी पैशनेट एंड वार्म पर्सनैलिटी, और वो उनका जो पैशन है वो उनके काम में भी दिखता है। बहुत ही रिच वाइब्रेंट कलर्स उन्होंने यूज़ किए हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि नॉर्थ से है, लाइक शी इज़ बेसिकली बिलोंग्स टू नॉर्थ, तो नॉर्थ इज़ फेमस फॉर इट्स कोल्ड वेदर, एंड जो कलेक्शन है द क्लोथ्स आर एक्चुअली रिजेम्बलिंग द हॉट क्वेश्चन, सो शी हैज़ यूज लॉट ऑफ रिच टेक्स्चर्स, वाइब्रेंट कलर्स एंड रियली क्लासी इज द वर्ड, लाइक रिच क्लासी एंड रॉयल कलेक्शन, आई लव इट एब्सोल्युटली। चाहूँगी कि सब लेके जाओ, यू नो हाउ वी गर्ल्स आर, आई जस्ट लव शॉपिंग एंड आई लव क्लोथ्स, आई लव कलर्स, डेफिनेटली पीच, इफ यू कैन सी आई एम वेयरिंग अ पीच आउटफिट, सो आई लव द फैमिली ऑफ पिंक एंड पीचेस। आई हैव माई आईज सेट ऑन सम ऑफ द बेस्ट ड्रेसेस, मैं डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेक दैम होम, एंड द ब्राइडल कलेक्शन इज क्रेजी, इट्स टू डाई फॉर। आई थिंक आई एम गोइंग टू टेल माई हस्बैंड लेट्स गेट मैरिड एंड हैव सम फंक्शंस अगेन, एंड द ब्राइडल कलेक्शन एब्सोल्युटली fantastic, and their pink and peaches are, oh my god, they're amazing. जैसे कि आप देख रहे हैं कलेक्शंस तो डेफिनेटली रिच एंड वाइब्रेंट है, स्टोर इज़ डन अप सो ब्यूटिफुली, एंड आई थिंक सुलक्षणा जी उनका जो पैशन है वो डेफिनेटली इट ऊजेज आउट ऑफ द कलेक्शन एंड द स्टोर। सुलक्षणा मोंगा इज अ वेरी वेल नोन नेम इन द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, एंड आई जस्ट मेट हर सन फोरस इज फ्रॉम दिल्ली, माई होम टाउन, एंड अभी सीजन टाइम स्टार्ट हो गया है, वेडिंग्स हैव स्टार्टेड, एंड ऑफकोर्स दिवाली कमिंग सून अराउंड द कॉर्नर, नवरात्रि, गणपति, सो आई थिंक
इस टूर में बहुत भीड़ लगने वाली है एंड आई रियली विश हर ऑल द वेरी बेस्ट. शिवानी अंदर आई तो हमने देखा काफी मेसमराइज हो गई कि आप इतना बड़ा ह्यूज स्टोर देख रहे हैं. आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड. आई सेड वाओ दिस इज ह्यूज. इट्स लाइक अ लिटिल पैलेस हियर राइट मैंशन. या बाहर से लगी नहीं ना था लेकिन अंदर पहुंचे तो ऐसा लगा कि एलिस इन वंडरलैंड. एलिस इन वंडरलैंड. या सो आई फील लाइक आई एम इन वंडरलैंड रियली. एंड द क्रिएशंस देखिए पीछे देखिए आप कितनी अच्छी क्रिएशंस. रॉयल and very princessly royal look and I can't wait to you know pick up one of these clothes and wear for in fact I want to tell you all that I have been selected to perform at the New York India Day parade along with Kailash Kher ji and Shruti Hassan ji will be there and Kamal Hassan ji will also be there so I'll be representing India in this. I would definitely love to wear one of Sulakshana Manga's collection there. Kahan pe ho raha hai ye? New York mein. New York mein. In Manhattan. Very nice. So when aapko kaun se flight se ja rahe honge aap? So I will be in New York from 15th onwards, 15 August onwards. Mm-hmm. And the big big function is on the 19th of August. 19th of August. Very nice. Brilliant. And आज की जो न्यूज़ है मिस्टर मोदी जी एंड राहुल जी मेट ईच अदर एंड हग्ड ईच अदर. भाई देखा ना तुमने मैंने क्या पूछा. तो आपकी प्रतिक्रिया उस पर रिएक्शन यू सॉ मिस्टर मोदी जी एंड सामने देखा थोड़ा पीछे हो जाइए आराम से. हाँ अब दीजिए. हाँ कैमरा रुक. हाँ देट इज़ अ बिग मोमेंट आपको लगता है दोनों ने गले मिले एक साथ मोदी जी और राहुल जी. I can't believe it actually. It's a very epic moment for India today ki Rahul ji aur Modi ji ki dostiyan ho jaye to bahut achhi baat hai. Isme this is happening and Modi ji is known to be very friendly and very congenial. Wo ek bade pleasant se personality hai aur I think unki sabse badi ek USP hai ki wo har duniya ke har kone mein jaake logon ko dubha lete hain. So unhone Rahul ji ko bhi dubha liya to phir I'm sure it's victory. आने वाले में समय में के लिए कुछ आशाएं जगती हैं आपको ये देख के मोमेंट है दोनों के बीच में. But you never know, there's a merger between Congress and BJP. But ये तो है that I think it's going to be Modi's victory in 2019. I firmly believe that. और आपको लगता है किसका बड़प्पन ज़्यादा रहा मतलब एक दूसरे से मिलने में आपको लाइक हु लार्ज हार्टेडनेस यू विल आपको लगता है. मोदी जी ऑब्वियसली. उनके बारे में इतने लांछे लगाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से और कि आई थिंक एज ए से लव कॉन्कर्स ऑल. तो आई थिंक उन्होंने एक बहुत अच्छा एक मूव किया है हगिंग हिम एंड डिप्लोमेटिक एंड अ गुड रिलेशनशिप. तो आई थिंक हो सकता है कि नेगेटिविटी हट जाएगी अब दोनों के बीच में. कितने इम्पैक्ट देश का भला हो सकता है.